वैसे बना रहता है। और आपने आज देखा भी प्रोग्राम भी, और जो उनमें उत्साह है और जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं उनका ओवरऑल, खाली स्टडीज में ही वो लोग टॉप नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे पेंटिंग्स भी अच्छा कर रहे हैं और अच्छे और भी चीज़ें कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट है उनका। और हम लोग अपने कॉलेज में हम बिलीव करते हैं कि हम लीडर्स बनाएंगे और वो लोग बन के आ रहे हैं। ये हमने इसलिए बनाई है कि हर एक को एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है अपनी लाइफ में, और वो ढूंढता है कि हम किसे इंस्पायर हुए बच्चे, तो उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको अपने जो फाउंडर हैं कॉलेज के उनको ही देख लेंगे, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो आगे जाते हैं कितना उन्नति कर सकते हैं हर फील्ड में, क्योंकि स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, हर चीज़ में उन्होंने टॉप किया है। तो वही है that Techno Culture Fest Innoviz 2019. This college was established in 2003 in the name of Northern India Engineering College, and after the death of our chairman, Dr. Akhilesh Das Gupta, it was renamed. Today it is the biggest college of IP University, and our students are getting regularly nearly 3 gold medals out of 7 in technically engineering and award for MBAs. This techno festival runs for 3 days, and it was opened today by our honorable chairperson, Madam Akhilesh Das Gupta, and the award was given the students who are having the first rank in the university in the name, and the award names were Dr. आज का फंक्शन कैसा फील, क्या कहना चाहते हैं? इट वॉज वेरी हैप्पी गुड आइडिया फील, बहुत सक्सेसफुल रहा। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम आए और ऑनरेबल प्रेजिडेंट सर आए, साथ में हमारी चीफ गेस्ट का और गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे। अच्छा, स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है, परफॉर्मेंसेज हों या फिर उनकी तैयारियाँ देखें तो उन्होंने एग्जीबिशंस लगाई हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे मेहनती स्टूडेंट्स के लिए? ऑल द बेस्ट एंड ये मैं ज़रूर सामने लेकर आना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुआयामी प्रतिभाओं के धनी हैं और मल्टी डायमेंशनल तरीके से आगे हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में वो नाम कमा रहे हैं देश में और विदेश में। कहते हैं एनुअल फंक्शन कहीं का भी हो, शुरुआत होती है बेहतर के लिए, क्या बेहतर है इस बार? इस बार हम लोग ज़्यादा बड़े बैंक के साथ, और पिछले साल हमारे चेयरमैन साहब नहीं रहे, उस वजह से हमारा पिछला फेस नहीं हो पाया था, तो इस बार हम चार्ज अलॉन्ग विद पिंकी मैम एंड सुनीति मैम। 3 दिन का फेस्ट होता है हमारा, 29, 30, 31 मार्च, हर साल हम इसी डेट में फेस्ट कराते हैं। ये फेस्ट आईपी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फेस्ट है। ओके, 3 दिन के फेस्ट में हम डांस इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, नॉन टेक्निकल इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स, इसके अलावा आपके जो बच्चे लिटरेचर इवेंट्स होते हैं, फाइन आर्ट्स इवेंट्स होते हैं, स्टार नाइट होती है, जैम सेशन, फैशन शो, ये सब हम 3 दिन में कराते हैं। इन 3 दिन के इवेंट में दिल्ली के 40 से ऊपर कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, 10,000 से ऊपर का हमारे यहाँ पे क्राउड जो है, टोटल फुटफॉल जो होता है वो आता है। आप सब लोगों के सहयोग से दिन पे दिन हम इस फेस्ट को अच्छे से अच्छा करते जा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें ऐसे ही सहयोग देते रहें। इस साल क्या आपने क्या प्लानिंग है इस साल, क्योंकि अभी आज का तो प्रोग्राम लगभग हो गया सब देख ही लिया, जो अभी परसों होने वाला है उसके बारे में क्या है? परसों जो प्रोग्राम है उसमें हमारी स्टार नाइट है, मनिंदर पुत्र जी वहाँ आ रहे हैं एज ए स्टार, 6 बजे से प्रोग्राम होगा और डेफिनेटली वो शो रॉक करेगा। थैंक यू। हमारी चेयरपर्सन मैम, प्रेसिडेंट सर आए थे, उन्होंने ग्रेस किया इस इवेंट को, चीफ गेस्ट आए थे, डॉक्टर मनोज कुमार जी। आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसमें आप एक अहम भूमिका निभा रही हैं कह सकते हैं, तो अब परसों जो इवेंट है स्टार नाइट होने वाली है, क्या 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 कुछ नया है, क्या खास है उसमें? सर मनिंदर पुत्र जी बहुत ही अच्छे पंजाबी पॉप सिंगर हैं, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, हमने आउटसाइडर्स के लिए जो नॉन एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंट्री रखी है 150, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड ऑल वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद सपोर्ट ऑफ आवर प्रोक्टोरियल टीम एंड ऑल फुल इनोविज टीम, जिसने
मतलब बहुत ही मेहनत की है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. रॉकिंग होगा सर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर प्रतुल अरविंद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. और इनोविज 2019 जो कि हमने आ रहा है बहुत बड़ा गाला टेक्नो कल्चरल इवेंट है, उसका मीडिया कोऑर्डिनेटर. ओके. मैं बताना चाहूँगा ये हमारा 3 दिन का फंक्शन है जिसमें आज हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, फिर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर श्री विराज सागर दास जी, साथ ही हमारे CEO सर श्री एस एन गर्ग जी, हमारे डायरेक्टर सर प्रोफेसर संजय कुमार जी, और हमारे डीन सर डॉक्टर अभिन बख्शी भटनागर जी, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर HR मिस पंखुड़ी अग्रवाल, और हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर नीरज सक्सेना जी,